नमस्कार, वीकेबी न्यूज के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं आज के हेडलाइंस पर। सरकारी अनाज की कालाबाजारी करने के संदेह पर दो आरोपी गिरफ्तार, 70 बोरी अनाज किया गया जब्त, तहसील पुलिस की कार्रवाई। नागपुर महानगर पालिका द्वारा शिक्षा करियर मार्गदर्शन केंद्र का उद्घाटन, महापौर दयाशंकर तिवारी द्वारा किया गया उद्घाटन। और नागपुर शहर पुलिस एक्शन मोड में गांजा विक्रेताओं के साथ नशेड़ियों पर बड़ी कार्रवाई, नागपुर पुलिस ने चलाया अभियान। और अब खबरें विस्तार से। नागपुर तहसील पुलिस स्टेशन के अंतर्गत मंगलवार को सरकारी राशन की कालाबाजारी करने के संदेह पर दो आरोपियों सहित अनाज के 70 बोरे जब्त किए गए। मिली जानकारी के मुताबिक कार्रवाई तहसील पुलिस स्टेशन अंतर्गत बताई जा रही है, जिसे शहर के सेंट्रल एवेन्यू रोड से तहसील पुलिस ने अपने काबू में किया। टाटा गाड़ी को रोककर जब उसकी तलाशी ली गई, तब उसमें सरकारी अनाज की 70 बोरियां होने की जानकारी सामने आई, जिसमें दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस को संदेह है कि सरकारी अनाज की कालाबाजारी का ये मामला है, जिसके तहत कार्रवाई की गई है। आज दिनांक 27/10/2021 रोज को सवेरे एपीआई बाबुल और उनका पतक पेट्रोलिंग कर रहा था, तब सीए रोड पे उनको अंबाजरी से कड़ाना जाते हुए एक अशोक लेलैंड की मेटाडोर गाड़ी सफेद रंग की संशयास्पद स्थिति में मिली। गाड़ी में रोका, तब गाड़ी में ड्राइवर सैयद इरफान अली वर्दर सैयद आजम अली, उम्र 28 साल, इटा भट्टी चौक धम्मदीप नगर पीएस यशोदा नगर, और गाड़ी में क्लीनर हिरेंद्र उर्फ मोटू भूषणलाल शाहू, उम्र 21 साल, इटा भट्टी चौक धम्मदीप नगर पीएस यशोदा नगर बैठे थे। गाड़ी का सर्च किए तो गाड़ी के पीछे मेटाडोर में कुल गवर्नमेंट के राशन के 70 बोरे कुल 3 टन चावल बिना कागज पत्र से प्राप्त हुआ। हमारे पतक एपीआई बाबुल को इसमें शंका है कि ये गवर्नमेंट का राशन का चावल होगा, इसलिए उसको पुलिस हथ में पुलिस स्टेशन तहसील में ला के जब्त ही है। और अभी फूड डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑफिसर इनको लेटर दिया है और उनको जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। विद्यार्थियों के लिए नागपुर मनपा द्वारा शिक्षा करियर मार्गदर्शन केंद्र शुरू किया गया। इस मार्गदर्शन केंद्र के जरिए विद्यार्थियों की काउंसलिंग की जाएगी। इस मार्गदर्शन केंद्र का उद्घाटन महापौर दयाशंकर तिवारी के हाथों किया गया। यह मार्गदर्शन केंद्र सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक रहेगा। नागपुर महानगर पालिकेच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांसाठी आम्ही एक काउंसलिंग सेंटर उद्घाटित केला आणि त्या काउंसलिंग सेंटरला चांगला प्रतिसाद मिळाला। जे गरीब विद्यार्थी ज्यांना ऑनलाईनचा सिस्टम समजत नाही, ज्यांना काही त्रुटी असतात किंवा मिळालेल्या पर्सेंटप्रमाणे कोणती चॉईस भरायची हे कळत नाही, ते इकडे येऊन स्वतः आमच्याकडनं मार्गदर्शन घेतात आणि एक सामाजिक संस्थाचा माणूस उमेश कोठारी निःशुल्क त्याचं मार्गदर्शन करतो आणि त्याला चांगला प्रतिसाद मिळाल्यानंतर, विद्यार्थ्यांची चांगल्या संख्या आल्यानंतर माझ्या डोक्यात एक विषय असा होता की एक सिनियर सिटिझनसाठी आणि सोबतच जे एक्स सर्व्हिसमॅन आहे यांच्यासाठीसुद्धा ही व्यवस्था उभी व्हावी। या दृष्टीने 1 ऑक्टोबरला सीनियर सिटिझन डे होता, त्यासाठी सीनियर सिटिझन कौन्सिल ऑफ नागपूर, हे नागपूर डिस्ट्रिक्टचे जे सीनियर सिटिझन कौन्सिल आहे त्याचे लोक डॉक्टर रेवतकर यांच्या नेतृत्वात मला भेटायला आले। आदरणीय खर्चेजी जे अध्यक्ष आहेत ते भेटायला आले, त्यांच्या डोक्यात सीनियर सिटिझनचा एक कार्यक्रम घ्यायचा होता। मी त्यांना सांगितलं एकच नाही, महानगरपालिका आझादीची 75 वर्षगाठ म्हणून जास्त कार्यक्रम घेईल आणि वेगवेगळे कार्यक्रम त्या दिवशी आयोजित केले आणि मी त्यांना निवेदन केला की जसा हा कक्ष सुरू आहे तसा सीनियर सिटिझनचा कक्ष सुरू झाला, तर जे सीनियर सिटिझन लोक महानगरपालिकेच्या परिसरात येतात, नवीन बिल्डिंग पुरानी बिल्डिंग एक डिपार्टमेंट दुसरा डिपार्टमेंट कळत नकळत त्यांना इकडे तिकडे फिरावं लागते, त्यांची गैरसोय नाही झाली पाहिजे म्हणून एका कक्षात ज्या सीनियर सिटिझनची कंप्लेंट आली, शिकायत आली आणि त्याचा तोडगा महापौर कार्यालयाच्या माध्यमातून करू शकलो तर ते जास्त सोयीस्कर होईल आणि सीनियर सिटिझनला दिलासा देण्यात महानगरपालिकाकडनं एक कदम उचलण्यात आलेला असा दिसेल। पण याच्यासाठी महानगरपालिकेचा कर्मचारी बसला तो त्याची वागणुकीची आम्ही जबाबदारी घेऊ शकत नाही, म्हणून सीनियर सिटिझन कौन्सिलचाच माणूस बसायला पाहिजे असा मी निवेदन केला। माझ्या निवेदनाला या संस्थेने स्वीकृती दिली
आणि आज आम्ही उद्घाटन केला. दर मंगळवारी आणि गुरुवारी आठवड्यात 2 दिवस सीनियर सिटीजन या कक्षात येतील. त्यांची जेवढी मागणी आहे, त्यांची शिकायत आहे, सर्व एका ठिकाणी एकत्र करण्यात येईल आणि डिपार्टमेंट वाईज त्याची स्क्रुटनी करून महानगरपालिकेच्या महापौर कार्यालयातनं त्या समस्याचं निराकरण करण्याच्या दिशेने आम्ही वाटचाल करू. याच्यामुळे सिनियर सिटीजनला मोठा दिलासा मिळेल असं मला वाटतं. एक बाब मी बोलू इच्छितो. जेव्हा आम्ही काउन्सिलिंग सेंटर उघडला होता तेव्हा आम्हाला वाटत होतं मुलांची आम्हाला फक्त काउन्सिलिंगच करायची आहे, पण एक वेगळाच सोशल कॉज आमच्याकडे लक्षात आला. महानगरपालिकेचे जे गरीब विद्यार्थी महानगरपालिकेच्या काउन्सिलिंग सेंटरमध्ये आले आणि आम्ही त्यांना काउन्सिलिंग केली, तो जे OBC वर्ग आहे ॲडमिशनसाठी क्रिमिलेअर सर्टिफिकेट नितांत आवश्यक असतो आणि कोणत्याही विद्यार्थीकडे क्रिमिलेअर सर्टिफिकेट नव्हता. मग मी महानगरपालिकेच्या समाज कल्याण विभागासोबत बोललो आणि महानगरपालिकेच्या समाज कल्याण विभाग कलेक्टर ऑफिससोबत बोलून महानगरपालिकेच्या शाळेंमध्ये शिकणारे जे विद्यार्थी आहे त्यांचे कास्ट सर्टिफिकेट बनवण्याच्या दृष्टीने महानगरपालिका आपली यंत्रणा स्वतः उभी करत आहे. म्हणजे एका कामाचा मागे लागलं तर दुसरा काहीतरी चांगला निष्पंदन होऊ शकतं याचं उत्कृष्ट उदाहरण हा आहे, ज्याच्यामुळे मुलांना आम्हाला दिलासा देण्यात येईल. तसंच या प्रक्रियेच्या माध्यमातून आणखीन काही अमृत निघाला तो ते सुद्धा आम्ही करू अशी मी गवाही देतो. खरं तर समाजाची आवश्यकता आहे, ज्या लोकांच्या भरोश्यावर या देशात आझादीची 75वी वर्षगाठ आपण गाठत आहोत, ज्यांच्या प्रयत्नामुळे, ज्यांच्या अनकथ कथांमध्ये, ज्यांच्या मेहनतीमुळे या देश घडवण्यात आलेला आहे, त्या लोकांबद्दल समाजाची जी जबाबदारी आहे ते समाजाने निभावली पाहिजे. त्या दृष्टीने हा माझा पाऊल आहे आणि याच्यात कोणत्याही प्रकारचं राजकारण नाही. मला आपण सांगितलं की कोणत्याही महानगरपालिकेत असा कक्ष नाही आहे. मी निवेदन करतो आपल्या माध्यमातून की प्रत्येक महानगरपालिकेत सिनियर सिटीजनसाठी कक्ष असणं नितांत आवश्यक आहे. त्या दृष्टीने सगळ्यांनी प्रयत्न करायला पाहिजे अशी मी अपेक्षा बाळगतो. पुलिस विभाग ने नागपुर शहर को ड्रग फ्री करने की मुहिम शुरू कर दी है. नशीले पदार्थ बेचने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है. सोमवार रात पुलिस ने विशेष अभियान चलाया. गांजा विक्रेताओं के साथ साथ सेवन करने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई. शहर के युवाओं में नशे की लत बढ़ती ही जा रही है. इसे गंभीरता से लेते हुए पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार और जॉइंट CP अश्वती दोर्जे ने क्राइम ब्रांच को विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए. सभी नशीले पदार्थ बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को कहा. DIG सुनील फुलारी और DCP चिन्मय पंडित ने पूरी क्राइम ब्रांच को इस काम में लगाया. NDPS सेल के अलावा सभी 5 यूनिट के अधिकारी, कर्मचारियों और 33 स्थानों के DB स्क्वाड ने संयुक्त रूप से कार्रवाई शुरू की. रात 12 बजे तक अलग अलग स्थानों पर छापामारी की गई. कुल 51 मामले दर्ज किए गए. नशीले पदार्थ बेचने वाले 5 लोगों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए. गांजा और अन्य नशीले पदार्थों का सेवन करते 61 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया. उनसे 1,11,000 रुपए के नशीले पदार्थ जब्त किए गए. पुलिस आगे भी यह कार्रवाई जारी रखेगी. नागपुर को ड्रग फ्री सिटी बनाने के लिए नागरिकों से भी अपील की जा रही है. नशीले पदार्थ बेचने वालों और सेवन करने वालों के बारे में यदि किसी को जानकारी हो तो क्राइम ब्रांच को दी जाए, ऐसी जानकारी क्राइम ब्रांच ने दी है. माननीय पुलिस आयुक्तांनी दिनांक 26/10/2021 रोजी नागपूर शहरातील सर्व वरिष्ठ पोलीस निरीक्षकांना आदेश दिले की त्यांच्या परिसरामध्ये कुठेही अवैध धंदे, गांजा, दारू, ड्रग्स विक्री होऊ नये आणि विशेष दिनांक 26/10/2021 24 वाजतापर्यंत विशेष कारवाई करण्याचे आदेश दिल्याने माननीय पोलीस आयुक्ताच्या आदेशान्वये पोलीस स्टेशन तहसील अंतर्गत आम्ही 3 वेगवेगळे पथक तयार करून काल दिनांक 26/10/2021 रोजी गांजा सारखे मादक द्रव्य सेवन करणारे 3 लोक, ज्यामध्ये मोहम्मद राजा वल्द मोहम्मद फराज मुकाम टिमकी, मोहम्मद तन्वीर वल्द रसलत अन्सारी टिमकी और मोहम्मद जकीर वल्द जब्बार अंसारी अंसार नगर धोबी मोमिनपुरा, इनको हिरासत में लिए. वो गांजा का सेवन कर रहे थे. NDPS एक्ट कलम 27 के मुताबिक उनके ऊपर गुना दाखिल करके उनको लॉकअप में डाले. आज उनको विद्यमान कोर्ट में कुटत किए हैं. ये तीनों गांजा सेवन करने वाले आरोपी, इन्होंने गांजा कहाँ से लिया था इसका अभी तपास चालू है और अगली कार्रवाई चालू है. कल जो केस किए उसमें 3 प्रकरण NDPS के अंतर्गत दर्ज किए और इसमें 3 आरोपी को अटक करके विद्यमान कोर्ट में आज रोजी पुटअप किए हैं. अभी जो गांजा सेवन कर रहे थे वो गांजा इन्होंने कहाँ से प्राप्त किए इसका तपास पुलिस कर रही है. गंगा जमुना में कार्रवाई के लिए पुलिस आयुक्त द्वारा किए गए नोटिफिकेशन को चुनौती देते हुए मुकेश साहू की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई. याचिका पर मंगलवार को सुनवाई के बाद न्यायाधीश सुनील शुक्रे और न्यायाधीश अनिल किल्लोर ने याचिकाकर्ता के अनुरोध को स्वीकार कर इसे जनहित याचिका के रूप में पंजीकृत करने के आदेश दिए.
साथ ही अदालत ने जनहित याचिका के नियमों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई पूरी करने तथा याचिका में सुधार करने की स्वतंत्रता देते हुए 17 नवंबर को याचिका सुनवाई के लिए प्रेषित करने के भी आदेश दिए। याचिका में बताया गया कि कानून इस तरह का व्यवसाय किसी भी सार्वजनिक स्थान, स्कूल, अस्पताल, धार्मिक स्थल आदि से 200 मीटर के दायरे में स्वीकृत नहीं होने का हवाला देते हुए पुलिस आयुक्त ने 25 अगस्त 2021 को अधिसूचना जारी की, जिसके बाद लकड़गंज पुलिस के माध्यम से गंगा जमुना में रहने वाली महिलाओं को उनके घरों से बेदखल किया गया। कानून इस तरह के किसी भी व्यक्ति को उसके घर से बेदखल करने का अधिकार किसी को नहीं है, किंतु इस तरह से कार्रवाई किए जाने से जीने के मूलभूत अधिकारों का हनन हो रहा है। याचिका में बताया गया है कि गंगा जमुना में यह व्यवसाय दशकों से किया जा रहा है, जबकि स्कूल, अस्पताल, धार्मिक स्थल आदि उसके बाद में यहां स्थापित हुए हैं, जिसे पुलिस आयुक्त की ओर से नजरअंदाज कर दिया गया। याचिकाकर्ता ने याचिका में बताया कि दशकों से यहां इस तरह का व्यवसाय चल रहा है। पुलिस आयुक्त की ओर से जारी अधिसूचना में कुछ लोगों द्वारा यहां चलने वाले इस व्यवसाय पर आपत्ति जताई गई। वित्तीय गतिविधियां काफी समय से चल रही हैं, इसकी भलीभांति जानकारी होने के बावजूद कई लोगों ने परिसर में आवास खरीदा। याचिकाकर्ता ने कहा कि समाज में दो धड़े हैं, जिसमें से एक इन्हें अपनी जगहों पर व्यवसाय करने की स्वतंत्रता देने के पक्ष में है, जबकि दूसरा धड़ा समाज के लिए यह घातक करार देकर उन्हें विस्थापित करने की मांग करता है। कानून और नियमों के अनुसार यदि इन्हें विस्थापित भी करना हो तो उसके लिए सर्वप्रथम योजना घोषित करनी चाहिए, जिसके बाद यदि संबंधित व्यक्ति की सहमति हो तो उस योजना पर अमल किया जा सकता है, किंतु इस तरह की प्रक्रिया भी नहीं अपनाई गई। आदेश जारी कर जबरन लोगों को उनके कमरों से बाहर कर सील ठोक दिया गया, जिससे आयुक्त द्वारा जारी आदेश को अवैध करार देकर निरस्त करने की मांग याचिका में की गई। सुप्रीम कोर्ट द्वारा 4 मार्च को जिला परिषद व उसके अंतर्गत आने वाले पंचायत समितियों में विविध वर्ग का आरक्षण 50% से ऊपर हो जाने के चलते ओबीसी सीटों की मान्यता रद्द कर दी गई थी। उसके बाद 5 अक्टूबर को उपचुनाव हुए और 6 को परिणाम आए। चुनाव आयोग के निर्देश पर जिला परिषद में उपाध्यक्ष और कुछ पंचायत समितियों में सभापति व उपसभापति के चुनाव कार्यक्रम जिला प्रशासन ने जाहिर किया था, जिसके अनुसार सभापति और उपसभापति का चुनाव 28 अक्टूबर और जिला परिषद उपाध्यक्ष पद का चुनाव 29 अक्टूबर को होना तय हुआ था, लेकिन जिलाधिकारी ने मंगलवार को एक परिपत्र जारी कर उक्त चुनाव स्थगित कर दिया। जिलाधिकारी द्वारा जिला प्रशासन को दिए गए आदेश में लिखा है कि ओबीसी आरक्षण के संदर्भ में सरकार का कोई आदेश निर्देश प्राप्त नहीं होने के कारण जिलाधिकारी कार्यालय की ओर से मार्गदर्शन मांगा गया है, इसीलिए 28 व 29 अक्टूबर को होने वाले चुनाव स्थगित किए जाते हैं। जिला परिषद की 16 ओबीसी सीटों में उपचुनाव हुए थे और 31 पंच सीटों पर चुनाव हुए। जिला परिषद में उपाध्यक्ष और पंचायत समितियों में 4 सभापति और 3 में उपसभापति का पद भी रद्द हुई सीटों के चलते रिक्त हो गया था। अब पदाधिकारियों का चुनाव कार्यक्रम तय होने के बाद जिलाधिकारी द्वारा अचानक उसे रद्द कर दिया गया। जब तक सरकार से आदेश निर्देश मार्गदर्शन नहीं आता तब तक चुनाव नहीं होगा। मार्च महीने से अब तक पूरे 9 महीने बीत गए हैं और जिला परिषद में उपाध्यक्ष के साथ ही स्वास्थ्य व बांधकाम समिति सभापति पद की जिम्मेदारी वाली कुर्सी खाली पड़ी हुई है। विभाग के कामकाज बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। चुनाव कार्यक्रम घोषित होने से सदस्यों में उत्साह था, लेकिन अब वो भी ठंडा हो गया है। वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। Love you, Deepika. Bye. सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुंच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। फ्लाई व्हील एविएशन अकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाई व्हील एविएशन अकेडमी, 1 डिग्री 3 जॉब अपॉर्चुनिटीज। फ्लाई व्हील एविएशन अकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाई व्हील एविएशन अकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटक।
मेगा बैंक नागपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। महानगर पालिका कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के अलावा शिक्षकों को सातवां वेतन आयोग तो लागू किया गया, किंतु उसकी बकाया निधि अब तक नहीं दी गई। यहां तक कि छठवें वेतन आयोग का भी बकाया चल रहा है। इसी तरह से कर्मचारियों की कई न्यायोचित मांगों को लेकर कई बार प्रदर्शन भी किए गए, किंतु अब तक न्याय नहीं दिया गया। दीपावली होने के बावजूद मनपा ने सातवें वेतन के बकाया की राशि का भुगतान शुरू नहीं किया है। अंततः दिवाली के पूर्व भुगतान नहीं किया गया तो निकट भविष्य में कामबंद आंदोलन करने की चेतावनी महानगर पालिका कर्मचारियों के संगठन राष्ट्रीय नागपुर कॉरपोरेशन एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने दी। मंगलवार को संगठन की ओर से संविधान चौक पर तीव्र प्रदर्शन किया गया। संगठन के अध्यक्ष सुरेंद्र टिंगने ने कहा कि सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार कर्मचारियों को 11% दर से वेतन में महंगाई भत्ता दिया जाना चाहिए। संगठन की ओर से काफी समय पहले कामबंद आंदोलन किया गया था। आंदोलन के कारण स्थिति बिगड़ जाने से तत्कालीन महापौर के कक्ष में संगठन के साथ बैठक करवाई गई, जिसमें बकाये का भुगतान करने की सहमति जताई गई थी। बाद में संगठन के पदाधिकारी बदल जाने के बाद सत्ता पक्ष और प्रशासन ने मिलकर इस फैसले को ही बदल दिया। आंदोलनकर्ताओं ने कहा कि अगर केवल छठवें वेतन आयोग का बकाया है, बल्कि सातवें वेतन आयोग का भी 16 माह का बकाया है। सातवें वेतन आयोग का बकाया चरणबद्ध तरीके से नियमित कर्मचारी, शिक्षकों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के देने की घोषणा की गई थी। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार 10, 20 और 30 वर्षों की आश्वासित प्रगति योजना लागू की जानी चाहिए। एवजदार सफाई कर्मचारियों को नियमित करने के लिए 20 वर्ष की शर्त रद्द कर अधिसंख्य पद नियमित आस्थापना पर लेने तथा उन्हें लाड पागे समिति की सिफारिशें लागू कर वारसा हक अबाधित रखने की मांग भी की गई। महापौर दयाशंकर तिवारी ने कहा कि भारत पाकिस्तान युद्ध और भारत चीन युद्ध के बाद देश ने बड़े पैमाने पर अपनी जमीन गंवाई। इसके लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ही जिम्मेदार थे। सैनिकों ने अपना बलिदान देकर यह जमीन देश के कब्जे में लाई। नेहरू की उदार नीति के कारण ही पड़ोसी देशों ने जमीन हथियाई। वर्तमान में जारी सीमावाद इसी का नतीजा है। महापौर दयाशंकर तिवारी राष्ट्र संत कुड़ोजी महाराज विद्यापीठ नागपुर की ओर से आयोजित युवा छात्र संसद के उद्घाटन अवसर पर बोल रहे थे। महापौर तिवारी ने कहा कि लोकतंत्र में विरोधी पार्टी का सशक्त होने के साथ ही सकारात्मक होना भी महत्वपूर्ण है। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा पाकिस्तान बांग्लादेश के विभाजन के निर्णय को अटल बिहारी वाजपेयी ने समर्थन दिया था। इंदिरा गांधी को रणचंडी की उपाधि भी वाजपेयी ने ही दी थी। उस वक्त वाजपेयी ने बांग्लादेश में पश्चिम बंगाल का समावेश करने की सलाह दी थी, लेकिन इंदिरा गांधी ने उसे माने नहीं किया। महापौर ने कहा कि पाकिस्तान बांग्लादेश के विभाजन के वक्त यदि इंदिरा गांधी वाजपेयी की सलाह मान लेती तो आज पश्चिम बंगाल होते हुए आतंकवादी भारत में नहीं घुसते। इस अवसर पर मंच पर विवि के उपकुलपति प्राध्यापक सुभाष चौधरी, उद्योजक डॉक्टर समय बंसोड़, प्र उपकुलपति प्राध्यापक संजय दुधे, विष्णु चांगदे, टार्जन गायकवाड़, कुलसचिव राजू हिफसे उपस्थित थे। विद्यार्थी विकास विभाग के संचालक अभय मृदुल ने आभार माना। नागपुर के तहसील पुलिस स्टेशन अंतर्गत बिजली बिल की बकाया राशि वसूलने गए बिजली विभाग के कर्मचारियों के साथ दो भाइयों ने जमकर विवाद किया। लाठी से वार कर एक कर्मचारी को जख्मी भी कर दिया और वाहन फोड़ने की धमकी दी। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। तहसील पुलिस ने खदान निवासी हरीश रज्जूलाल नायक की शिकायत पर मामला दर्ज किया है। आरोपियों में टिमकी रोड नाल साहब चौक निवासी सतीश बच्चूलाल गुप्ता और गौरव आनंद गुप्ता का समावेश है। हरीश गांधीबाग कार्यालय में काम करता है। मंगलवार की सुबह अपने स्टाफ के साथ एरिया में बकाया बिल राशि वसूलने और कार्रवाई करने गए थे। गुप्ता बंधुओं ने बिजली का बिल नहीं भरा था। बिजली कर्मियों ने उन्हें कम से कम 50% राशि भरने के बाद ही बिजली की लाइन शुरू रखने की जानकारी दी। इससे दोनों चिढ़ गए। सतीश ने हरीश के साथ गाली गलौज कर लाठी से प्रहार किया, जिससे उनके हाथ में गंभीर चोट लगी। गौरव ने हाथ में पत्थर उठा लिया। कार्रवाई करने पर गाड़ी फोड़ने की धमकी दी। तुरंत पुलिस को घटना की जानकारी दी गई। तहसील पुलिस ने विविध धाराओं के तहत मामला दर्ज कर दोनों भाइयों को हिरासत में ले लिया है। अधीनस्थ कर्मचारी के तबादले के बाद उसे तबादले की नोट शीट देने के लिए 5,000 रुपए रिश्वत की मांगने वाले सावनेर पंचायत समिति के सहायक प्रशासन अधिकारी योगेश अशोक संगेवार निवासी राउत लेआउट गार्डन के पास झिंगाबाई टाकली नागपुर को मंगलवार की दोपहर एसीबी के दस्ते ने रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया।
प्राप्त जानकारी के अनुसार फरियादी पूर्व में पंचायत समिति सावनेर में वरिष्ठ कर्मचारी के रूप में कार्यरत था। हाल ही में उसका नागपुर तबादला हुआ था। तबादले के स्थान पर पदग्रहण के पूर्व उसे सावनेर कार्यालय से तबादले नोटशीट की आवश्यकता थी। उक्त कर्मचारी ने पंचायत समिति सावनेर के सहायक प्रशासन अधिकारी योगेश संगेवार के पास आवेदन देकर उपयुक्त नोटशीट की मांग की थी। इस काम के बदले संगेवार ने 5,000 रुपयों की मांग की। कर्मचारी की रिश्वत देने इच्छा नहीं होने से उसने इसकी शिकायत एसीबी कार्यालय नागपुर में की। पुलिस उप विभागीय अधिकारी संदीप जाधव ने पहले इस शिकायत की जांच कर आरोप की सत्यता को परखने के बाद एचसी प्रवीण पड़ोडे, पंकज घोड़के, लक्ष्मण परतेकी, सदानंद सिरसाट आदि के साथ एक टीम बनाकर मंगलवार की दोपहर 3 बजे के करीब पंचायत समिति सावनेर में दबिश देकर आरोपी योगेश संगेवार को 5,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। संगेवार को बुधवार को न्यायालय में पेश किया जाएगा। तो प्राइम टाइम न्यूज में आज इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए वीकेबी न्यूज। नमस्कार।